सोर थ्रोट या गले में खिंचाव सा या खरखराहट सी बाकी रह जाती है, और ये बहुत कंप्लेन है पेशेंट्स की कि रिकवरी हो गई है लेकिन अभी भी गले में ऐसा लगता है कि कुछ खिंचाव सा है। लास्ट टाइम भी मैंने समझाया कि अगर तो आप इंट्यूबेटेड रहे हैं या वेंटिलेटर रहे हैं तो वहाँ इंटरनल अंदर म्यूकोजा आपका डैमेज्ड है, उसको रिकवरी में टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए आपको इंट्यूबेट नहीं किया गया था और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उसका भी रीजन वही है कि वायरल इन्फेक्शन यूजली ये सार्स वायरस था, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को मेनली अफेक्ट किया है इसने। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को रिकवर होने में, हील होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक आप थोड़ा चाहे तो स्टीम का इनहेलेशन कंटिन्यू करें, स्टीम भाप ले लें सुबह शाम। गार्गल्स करें, गार्गल्स के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सिंपल गुनगुने पानी से गरारे कर लें। बहुत गर्म ज्यादा ना हो कि आप और डैमेज कर बैठे गले को। गुनगुने पानी से चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल लें उसमें, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो प्लीज नमक भी ना डालें। सिंपल गुनगुने पानी से गरारे कर लें सुबह शाम और भाप लें थोड़ा। और अगर बहुत दर्द है तो कुछ एंटी एलर्जिक्स या एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, जैसे सेट्रिजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, वो आप एक हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं। रात को सोते समय अगर आप एक टेबलेट सिंपल सेट्रिजिन की एक हफ्ता ले लें, आराम आ जाएगा। और अगर नहीं लगता है कि जरूरत है तो सिर्फ भाप ले लें और गरारे कर लें, आराम आ जाएगा। इट विल टेक अ गुड टाइम।